दंड बैठक लगाते थे हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से, इसको ट्रेडिशनल एक्सरसाइज कहते हैं। तो हाथ ऐसे रख लिए, तो एक को कहते हैं साधारण दंड, ऐसे यू किया, ऐसे करो, सब नीचे गए ऊपर उठे वापस आए, ऐसे 10-20 बार से शुरू करके एक बार में एक अभ्यास ऐसे 10-20-25 बार किया, फिर थोड़ा ऐसे आराम कर लिया, फिर दूसरा किया, ऐसे एक एक अभ्यास को 100-100 बार कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? 20-20-25-25 का एक एक राउंड कर लिया। दूसरा अभ्यास, अंगूठी अंगुलियां अंदर की तरफ और गर्दन सीधी कमर सीधी, एक साथ पूरे शरीर को नीचे ले जाएंगे, एक साथ ऊपर लाएंगे, ऐसे कोशिश करो, गर्दन सीधी कमर सीधी कुल्ले भी सीध में, लंबे लंबे श्वास, ऐसे 10-20 बार। अभी इसमें तो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं वो अभिनंदन के पात्र हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कैसे कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे कर रहे हैं पीछे पीछे से, कुछ आगे आगे से कर रहे हैं, थोड़ा सा पूरा नीचे, गर्दन सीधी कमर सीधी, ऐसे एक साथ नीचे ऊपर, ऐसे ऐसे करना होता है। जो बाहर से बच्चे आए हैं उनमें ये तीसरे नंबर वाला सबसे अच्छा कर रहा है। क्या नाम है इसका? है अभिनव। चलो भाई अभिनव के लिए एक बार ताली बजाओ। और उसने पूरा किया, इसका मतलब ये 25-50 एक साथ कर लेता है। 50 करने में पता लग जाता है कि आपकी जवानी में कितना दम है, नहीं तो पता लगा आप खाली नकली जवानी, आर्टिफिशियल कृत्रिम यौवन लिए घूम रहे हैं। चलो दो हो गए, अब तीसरे में थोड़ा अलग अलग एंगल से थोड़ा शरीर को एक्सरसाइज देते ना, तो तीसरे में और ज़्यादा ये जो भुजाएं हैं ना और मजबूत बने, सुंदर बने, शरीर की शेप भी बहुत अच्छी आती है योग अभ्यास से। तो चलो सर्पदंड इसको कहते हैं, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऊपर हो गए, पहले वाले से इजी है, ऐसे पूरा नीचे पूरा ऊपर, करो पूरा ऊपर नीचे, ऐसे पूरा नीचे पूरा ऊपर, बनी बात। चलो अब चौथा कर लेते हैं, साधारण दंड, वक्ष विकासक दंड जिसको डीप्स बोलते हैं अंग्रेजी में, फिर ये सर्पदंड और मिश्र दंड हो जाएगी, चार तो कर ही सकते हैं सब, है ना, ठीक है ना। तो चौथा मिश्र दंड, ऐसे पैर हाथों के साइड में, हाथ ऐसे सीधे, एक दो करो, नीचे पूरा जाना, पूरा नीचे गए, पूरा ऊपर उठे, पूरा वापस आ गए, पूरा नीचे फिर ऊपर फिर वापस, चलो एक दो तीन, एक दो तीन, छाती लगनी चाहिए नीचे, ऐसे टच करनी चाहिए छाती, फिर उठे वापस, ऐसे चाहे धीरे करें या फास्ट करें, छाती नीचे से ऐसे लगती भी आएगी, कुछ बनी बात।
चार हुए। अब किसी में ज्यादा ही दम हो तो फिर वो चक्रदंड करते हैं ना, बच्चे तो कर लेते हैं ऐसे, एक पैर ऐसे साइड में, एक पैर ऐसे बीच में और ऐसे। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। चलो खड़े हो जाओ, अब बैठक करवाते हैं। जो बुजुर्ग है ना, बड़े बड़े जिनकी उम्र 60-70 साल की, वो आधा कर लेना, घुटने ठीक रहे ना ऐसे। वक्त के साथ ये घुटने साथ छोड़ देते हैं, कमर, लिवर, किडनी, हार्ट, दिल, दिमाग साथ छोड़ देता है ना, तो ये शरीर अपना साथ दे। और जो मजबूत है वो पूरा ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे। बड़ी बात, बस 10-20 बार से ज्यादा नहीं करना पहले दिन। जो ज्यादा स्फूर्ति से करना चाहे तो ऐसे छलांग लगा लगा के करने जा। ऐसे तो पूरा शरीर मजबूत हो जाएगा, ठीक। फिर अलग अलग एंगल से बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर ऐसे ये 5-10 बार इसको कर लो, ऐसे बैठे ऐसे। पूरे बैठना, पूरे उठना ऐसे, नहीं तो इतना तो कर ही सकते हो।